हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर फ्रेंड आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट यू एग्ज़ाम को लेके और अभी जो न्यूज चल रही हैं कि एग्ज़ाम कब होगा पोस्टपोन्ड होगा क्या और ज़्यादा डिले होगा अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग सोर्सेस से स्टूडेंट्स के पास ये इंफॉमेसन पहुँच रही है इसको इन सब इंफॉर्मेशन को हमको कैसे लेना चाहिए और इस समय के लिए क्या बेस्ट चीज़ होगी जिस वे पर हम चलें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन स्टॉप ना हो और हम लगातार प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते रहें फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स इसमें से ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए पास के एक्सपीरियंस से अगर हम सीख के आए हैं तो कुछ और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे जो जिन्होंने जस्ट अभी ट्वेल्थ परसू किया है या लास्ट ईयर इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था तो फर्स्ट टाइम वो नीट का एग्ज़ाम देंगे अभी तक की जो ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ आपके पास आएगी वो ऑफिशियल न्यूज़ तभी आएगी जब उसका नोटिस आपके पास सामने एन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगा एन टी डॉट डॉट इन के ऊपर ठीक है तभी आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है मैं बोलूँ कोई और बोले या पूरा इंडिया बोले डैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कभी भी कोई भी न्यूज़ के पीछे आपको उसकी जेन्यूनिटी चेक करनी है कि कोई डिसीज़न आया है एग्ज़ाम को लेके या एग्ज़ाम पैटर्न को लेके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके तो बिल्कुल कोई डिसीज़न नहीं आएगा एग्ज़ाम को डेट को लेके तो उसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहता है जो ऑफिशियली पूरे इंडिया को बताया जाता है वो एन की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिलेगी एक तो ये चीज़ हो गई सेकेंड हम सभी को पता है कि अभी हमारे आस क्या हो रहा है हमारे नेशन के अंदर क्या हो रहा है पूरे ग्लोब के अंदर क्या हो रहा है इतनी बड़ी जो चीज़ है इतनी ज़्यादा जो कंडीशंस जो ख़राब हैं आज से पहले लाइफ स्टाइल में कभी भी इतनी बड़ी क्राइमिटी देखी नहीं गई है तो चीज़ें अनप्रिडिकटेबल है हम ही सब के हाथ में है कि चीज़ें हम कितनी जल्दी कंट्रोल में लेके आ सकते हैं या चीज़ें और ज़्यादा कितनी ख़राब हो सकती हैं तो गवर्नमेंट वही चीज़ करेगी जो सही होगा सबके लिए किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं तो फ फ़िलहाल जैसे कि कल नीट पी के लिए नोटिस एक आई है तो उसके बाद काफ़ी यू वाले बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ गया कि क्या हमारे एग्ज़ाम के ऊपर होगा और काफ़ी काफ़ी लोग अपने अनुमान से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं पी के लिए नोटिस आया है कि एग्ज़ाम को और ज़्यादा चार महीने के लिए डिले किया गया है थर्टी फर्स्ट अगस्त तक डिले किया गया है तो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि पी जी का एग्ज़ाम डिले हुआ है तो यू का भी एग्ज़ाम डिले हो जाएगा उसके पीछे का जो फैक्ट ये है कि यू जी वाले बच्चों का एग्ज़ाम डिले इसलिए किया गया है बिकॉज अभी देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो पी वाले डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपना एम बी कर चुके हैं दे आर आ जनरल फिजिशियन वो एक डॉक्टर्स हैं तो इस समय डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए कोविड ड्यूटीज़ में डॉक्टर्स को अरेंज किया जा रहा है और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी तब उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा सितंबर में बट यूजी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि यूजी वाले बच्चों को किसी भी टाइप की ड्यूटीज़ के अंदर भेजा जाएगा बिकॉज़ यू आर नॉट अ डॉक्टर नाउ अभी हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एम करने के बाद हम डॉक्टर बनेंगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि यू का एग्ज़ाम डिले किया जाए जो बेसिक रीज़न है जो कि हम सभी जानते हैं कि चीज़ें अभी बाहर ख़राब हैं ज़्यादा गैदरिंग बाहर नहीं होनी चाहिए तो इसको इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी जगह लॉकडाउन इम्प्लीमेंट है तो बच्चों के लिए आसान नहीं होगा अपनी जगह से ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर देखते हुए इन सब की वजह से एग्जामिनेशन को डिले किया गया था इकती एक अगस्त तक तो नो बडी नो की वॉट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर टमोरो कल क्या होने वाला है ना आपको पता है ना हमको पता है ना किसी को पता है हम चीज़ों को देख के एक अंदाज़ा लगाते हैं एक फोकास्टिंग करते हैं कि कल क्या हो सकता है तो बट ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम हमारा तभी होगा जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी और नॉर्मल ऑटोमेटिक चीज़ नहीं होगी जब हम सब लोग अपनी तरफ से इंडिविजुअल बेसिस पे प्रयास करेंगे कि चीज़ों को सही किया जाए उसके लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए हम और मेंटल बैलेंस को बनाते हुए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिकॉज साइंस हमको यही सिखाती है दोस्तों कि 90 परसेंट जो डिजीजेज़ होती हैं वो साइकोमेट्रिक डिजीजेज होती हैं यानी कि पहले दिमाग पे असर होता है उसके बाद बॉडी के ऊपर असर होता है यानी कि जो हमारी थॉट फ्लो होता है जो सोच होता है उसके हिसाब से हमारे ऊपर उन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो अभी के टाइम के अंदर फ्रेंड हमारा मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है मेंटल लेवल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम जो भी इनहेल करते हैं वही एक्जेल करते हैं तो अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो हमको पॉजिटिव चीज़ें ही अंदर डालनी है बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हैं बाहर के थॉट्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं निगेटिविटी बहुत जगह से मिल रही है तो अगर हम कोई निगेटिव चीज़ सुन रहे हैं या किसी नेगेटिव बंदे को सुन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव चीज़ हमारे अंदर आएगी फिर वो रिएक्ट करेगी तो हम भी निगेटिव टॉक करेंगे तो हमारे अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन होगा निगेटिविटी का और हमारी फैमिली मेम्बर्स के अंदर भी होगा तो इस समय के टाइम पर आप बहुत देख समझ के चीज़ें करिए जिन सब चीज़ों से करने के बाद आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको म्यूज़िक सुनने के बाद मूवी देखने के बाद कुछ फ़नी वीडियोस देखने से कुछ पढ़ाई करने के थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से हर लेवल पे वो काम करने की कोशिश की जो भी आप काम करो उस लेवल पे काम करो कि आप देखो जो इसका आउटकम निकल के आ रहा है ये हमारे लिए बढ़िया है दिस इज़ नॉट गोइंग टू केल मी दैट इज गोइंग टू बूस्ट मी अप ये मुझे आगे तरफ की तरफ लेके जाएगा ऊपर की तरफ लेके जाएगा और सक्सेस हमेशा मेहनत करने से मिलती है आगे लाइफ में हमको हर टाइम एग्जाम देने रहते हैं स्कूल में अलग कॉलेज में अलग यूनिवर्सिटी में अलग और डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो ये जो टाइम है बहुत एग्जामिनेशन वाला टाइम है हर बंदे को बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है तो एग्ज़ाम का पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को कोई फिक्स नहीं है अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी पोस्टपोन किया जा सकता है पिछले साल भी इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था लेकिन जिन बच्चों ने इसका अच्छा फ़ायदा उठाया उनका रिजल्ट में बिल्कुल देखने को मिला कि लास्ट ईयर हमको पता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे नीट ने अपने जब रिजल्ट आया सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी आया बच्चों का तो हमारा जो मेन मिशन है अल्टीमेटली वो डॉक्टर बन रहे काफ़ी लोग की प्रिपेशन ख़त्म हो गई है काफ़ी लोग परेशानी में है काफ़ी लोग कोविड से सफ़र कर रहे हैं उनकी फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहे हैं जिसकी जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से करिए बट अपनी पढ़ाई करते रहिए डेली करते रहिए बारह घंटे नहीं तो दस घंटे दस घंटे नहीं तो आठ घंटे आठ घंटे नहीं तो छः घंटे लेकिन निरंतर करते रहिए कॉन्टीन्यूसली करते रहिए साइंटिफिक फॉर्मूला है, है यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि कोई भी चीज़ को जब तक हम पॉलिश करते रहते हैं लगातार है, वो चीज़ उतनी शाइन होने लगती है पॉलिश करना छोड़ देते हैं तो उसके अंदर धूल जमा होना शुरू हो जाती है तो अपने अंदर बाहर की धूल को मत जमा होने दीजिए अपना सिलेबस कवर करते रहिए रिवीजन करते रहिए मॉक टेस्ट देते रहिए जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऑनलाइन ऑफ़लाइन जो भी जो भी टीचर अच्छा लगता है जो भी आपको समझ में आता है जिसका पढ़ाने का तरीका जिसका आपको मोड समझ में आता है उससे आप पढ़ते रहिए बट अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन लगातार करते रहिए अपने को फिट रखिए खुश रहिए इंजॉय करिए यही आप कर सकते हो और अपनी फैमिली की हेल्प करते रहिए उनके काम में लॉकडाउन के अंदर हम सबको वही सारे काम करने हैं जिससे हम बूस्ट रह सकते हैं और रही बात एग्जामिनेशन की तो अभी फ़िलहाल आप लोग की डेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है एक अगस्त की ही डेट है हो सकता है जून के अंदर फॉर्म आप लोग के आ जाए अगर चीज़ें ऐसे ही बैलेंस रही तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है चीज़ों को मैनेज करने में लगा रहे तो अगर एग्ज़ाम डिले भी होता है दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना डेढ़ महीना तो उससे भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है एग्ज़ाम डिले होने जा रहा है पोस्टपोन होने जा रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है एग्ज़ाम तो अल्टीमेटली होना है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत धरती पर डॉक्टर्स की है और आप लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो अपना पूरा सुकून से इस सब चीज़ों को समझिए और अपना एक्शन लीजिए हर जरूरी नहीं कि हर वीडियोस को देखें उसको ऊपर रिएक्ट करें न्यूट्रल होकर देखना है आप हमारे काम की चीज़ है ले लेना है नहीं काम की चीज़ है स्किप कर देना है बट उससे घबरा नहीं जाना है कि एग्ज़ाम पे क्या होगा एग्ज़ाम होना है जैसी कंडीशन होगी आप भी चाहते हो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो बाहर आप सेफली घर में आओ बाहर की चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी हों तो चीज़ों को नॉर्मल होने दीजिए आप भी नॉर्मल रहिए और क्या कर सकते हैं हर वो काम करिए जिससे हम आगे जा सकते हैं और आगे जाने वाला काम थोड़ा सा मेहनत वाला तो होता ही है दोस्त पीछे हटना बहुत आसान है लाइफ में नीचे जाना बहुत आसान है लेकिन ऊपर चढ़ने में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो हर वो काम करिए जिससे आपको अल्टीमेटली रात को सुकून मिले कि यार आज के दिन मैंने वेस्ट नहीं किया आज के दिन में मैंने कुछ किया बाहर से बहुत से लोग अच्छा काम नहीं कर रहे लेकिन मैं आज भी अच्छा काम कर रहा हूँ और अपने आप को आगे लेके जा रहा हूँ इस तरह से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में हम एक रिस्पॉसिबिलिटी होल्डर बन जाते हैं और अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो हमसे आसपास वाले हमेशा खुश रहेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ्रेंड सर्कल वाले जो भी आपके साथ में हैं और आपकी कंट्री हमेशा चाहती है कि हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और आपने जो लाइन चुनी है यू वॉन्ट बिकम अ डॉक्टर तो दैट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है सोलह लाख बच्चे हैं सबका सोचने का तरीका अलग है कोई अलग कोई चीज़ मजाक कर रहा है तो उसका आपके ऊपर इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए मजाक की भी एक प्रोपोर्शन होता है प्रोपोर्शन से ज़्यादा लेंगे तो हम ही मजाक बन जाएंगे जितना ज़रूरत है उतना लीजिए अगर कोई गलत निगेटिविटी डाल रहा है तो उसको डालने दीजिए ज़रूरत नहीं है आप उसमें हो लास्ट ईयर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे बहुत सारे आंदोलन हुए थे आंदोलन वोलन प्रोटेस्ट वोटेस्ट ये सब आपके एग्ज़ाम और आपके लाइफ का गोल नहीं है अपने गोल के ऊपर फोकस रहना है अपने ऊपर फोकस रहना है मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को उसके बाद फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है उसके बाद अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करना है इस लारकी में आगे बढ़ते रहें जाइए डेट ऑफ एग्जाम इज़ नॉट अ बिग फैक्टर एग्ज़ाम होने वाला है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी तक की डेट एक अगस्त है कोई भी चेंज आएगा ऑफिशियली तो एन टी ए पर आएगा उससे पहले एन टी ए से पहले अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है ध्यान जहाँ पर देना है वहीं पर देना है वो है आपका टॉपिक आपका सिलेबस आपकी सेहत और आपकी मेंटल फिटनेस दोस्तों तो ये था एक छोटा सा डोज आपके नीट यूजी के लिए और मोटिवेशन अगर हम बाहर से मिलते हैं किसी मोटिवेटर को सुनते हैं कि किसी मोटिवेशन स्पीक को मिलता है तो हम बाहर से हमेशा मोटिवेशन लोगे तो तभी तक मोटिवेट रहोगे जब तक किसी को सुन रहे हो उसका रिएक्शन पाँच दस मिनट एक घंटे तक रहता है लेकिन हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो ऐसे काम करते रहिए जिससे आपको मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से मिले तो अंदर से उन्हीं बंदों को मोटिवेशन मिल पाता है जो अपनी एनर्जी को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करते हैं वेस्ट नहीं करते हैं तो उनको प्राउड होता है अपने अंदर कि यार मैं बाकी लोगों से बढ़िया कर पा रहा हूँ बेहतर कर पा रहा हूँ ठीक है तो हमेशा कुछ बढ़िया करने की कुछ बेहतर करने का कुछ बेटरमेंट की तरफ करने की कोशिश कर रही है यही एक सबसे बेस्ट लाइफ स्टाइल है जो आज के टाइम के यूथ को ज़रूरत है और इससे ही हम सब लोगों को फायदा है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फैमिली सबको सब साथ में लेके चलिए चीज़ों को बिल्कुल छिलपिल ले कर चलिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है बाहर की सब न्यूज़ को पर अट्रैक्शन नहीं होना है जो हमारे इस काम की चीज़ें उन्हीं को देखना है थैंक यू सो मच फॉर यू वेलेबल टाइम फ्रेंड थैंक यू